भाई आदित्य कैसा है भाई? तो फाइनली हम लोग आ गए हैं मालदोन। अभी अक्कू भाई मेरे साथ राइड कर रहा है, इसका सपना पूरा हो गया मेरे साथ राइड करने का और नॉन स्टॉप मारने का। देख रहे हो कैसे पगला गया राइड करके। अभी हम लोग रुके हुए मालथोन से निकलने के बाद और टोल नाका जो है वहाँ पर, ये बड़ा ही ऐतिहासिक टोल नाका है। 2 साल पहले यहाँ पर टोल नाके में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर रुक के एक बार चाय जरूर पीता हूँ। और मेरी मूर्ति बनी, अभी मूर्ति में जाके माला और फूल अर्पण करेंगे। हाँ, और उस जगह का नाम भी रखा हो गया है आदित्य सिंह चौक, ऐसा करके एडवेंचर जगह का नाम रखा हो गया है। खैर अभी हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट समझ लो कि अपने घर से 250 किलोमीटर 270 किलोमीटर के आसपास। अभी यहाँ से ओरछा मुझे लगता है कि कुछ 120 किलोमीटर और बचा हुआ था, एक शॉट मारेंगे ओरछा पहुँच जाएंगे। अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया, आज के पूरे दिन में सबसे अच्छी बात यही हुई कि मौसम जो है ना आज ऑसम चल रहा है। बस मौसम ने बहुत साथ दिया है। यस, बिल्कुल सही बोला, ये कहीं धूप मिली ही नहीं हमें, बारिश मिली और ठंडक, बारिश मिली ठंडक मिली है। हाँ। तो बीच में लग रहा था कि मतलब मैंने गलती तो नहीं कर दी ऐसा, मतलब ये लाइनर वाइनर पहन के नहीं आया अपन, क्या नहीं पहन के आए भाई, गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा उनको कूल रहने का है। अबे तो कूल रहने, तू ब्लाउज क्यों पहन के आया है? टी-शर्ट पहन के आया था क्या करे भाई, ऐसे ही ब्लाउज पहनता है ना, इसलिए लोग सोचते हैं यही ब्लाउज है। इसको बताना पड़ेगा कि ये सैंडो है, सैंडो है, सैंडो है। खैर जो भी है, जैसा भी है, तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन राइड जो है ना अल्टीमेट जा रही है इस समय। और ये सब जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, इस बार हम इंस्टा से शूट कर रहे हैं, ना गोप्रो है 10 ना गोप्रो है 5, सिर्फ इंस्टा चल रहा है इस समय। देखते हैं अब जैसे भी फुटेज आएंगे शूट्स आएंगे वो पता लग ही जाएगा, सब भगवान भरोसे चल रहा है और क्या है। इंशाल्लाह ईद उल फितर, ये ईदी राइड है, ईदी राइड। एक बार हम लोग ईदी राइड पर रात में मिले थे और हम लोग धूमा गए थे गुलाब जामुन खाने के लिए, और एक ईदी राइड यहाँ मिले हैं और ओरछा जा रहे हैं पता नहीं क्या खाने के लिए, लेकिन जाएंगे ईद पर, ये बात आपको भी खिलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। चलो फिलहाल तो चाय वाय पीते हैं, चाय वाय बन रही है और अब जा रहे हैं, चाय वाय पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। नहीं मैंने कहा ठीक है, रास्ता कि कच्चा रास्ता है? नहीं सही है, रास्ता सही है, सही है। जबलपुर से मेरे भाई क्या खाओगे? अबे देख ये
तेरा फुट रेस्ट पीछे तो खड़ा हो सकता है, मैं थोड़ा खड़ा हो सकता हूं। तू आराम से क्रूज कर सकता है मेरे भाई। अबे तो फोन से यू हैव योर ओन एडवांटेजेस, आई गॉट माय ओन एडवांटेजेस। व्हाट द तो अगर आप जबलपुर से आ रहे हो तो आप ये जगह याद रखना, ओरछा धाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और ओरछा धाम के ये चकरपुर लिखा हुआ है, चकरपुर जगह है, चकरपुर से 17 किलोमीटर पड़ता है अपना ओरछा, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से यू टर्न लेके ऐसा आना पड़ेगा। अगर आप जबलपुर से आ रहे हो तो उधर से आओगे जबलपुर से, और झांसी से आओगे तो मेरे पीछे साइड से आओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बुंदेली फार्म रिजॉर्ट, 2 किलोमीटर है। वाओ, ये मैंने कल देखा था लेकिन मुझे कुछ और ही पसंद आ गया है। Here we go, to Orsha, single lane highway, 17 किलोमीटर यहाँ से, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी का व्यू है, सामने स्विमिंग पूल है, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत धूप है, और हम लोग आ गए थे तकरीबन 1:15 के आसपास। ये हमारा टेंट कॉटेज है, स्विस व्यू, स्विस टेंट है, और यहाँ पर देख लो अभी तो थोड़ा गरम है तो एसी चलवाया हुआ है, बाकी तो एक नंबर है, मस्त यार, अल्टीमेट लोकेशन झकास। और ये अक्कू दादा भाई, चल खाना वाना खा लें, ये देखो चप्पल फेंक दी इसमें, चीटिंग करता है ये, बाकी मज़ा आ रहा है यार, एक नंबर जगह है, सही चीज़ बुक हुई और सही जगह पर सही प्राइस में मिल भी गया। अब जा रहा है खाना खाने के लिए, अभी धूप बहुत तेज़ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो कम से कम एक चीज़ कर सकते हैं और वो है खाना खाना, तो खाना खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं खाने के बाद, अगर कुछ करते हैं तो। खाना हमने खा लिया है और अब जा रहे हैं किले की तरफ, थोड़ा सा इंक्वायरी करना है, तो इंक्वायरी करने के बाद थोड़ा सा खाना खा लिया, अभी जाकर सोएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा वॉक कर लें उसके बाद जाकर सोएंगे, थोड़ा धूप बहुत तेज़ है, 400 मीटर पैदल चल के जाना है। अक्कू ने बोला कि भाई वो चल सकता है तो आप उसकी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं, ज़्यादा बातें बतौलेबाजी बहुत करता है अक्कू, सुनता बुराई कर रहा हूँ उसकी, सुराय सुनता। चलो यार अभी व्लॉग देखेगा तो बहुत चिढ़ेगा, बोले अच्छा बेटा मेरे पीछे तू ऐसे ही से कर रहा था, मजाक में हम लोग खाना खा के निकले थे, सोचे थे कि यार चलो ऐसे घूम फिर के आते हैं, पता करके आते हैं लाइट एंड साउंड शो कब है, लेकिन हम लोग महल के अंदर आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पोपट स्कैम हमने ये कर दिया, हमने टिकट नहीं लिया अभी तक, और जहाँ से हमने सोचा कि जो भी कोई पूछेगा ना टिकट तो हम वहाँ से वापस लौट जाएंगे, और अक्कू भाई मेरे साथ ये बोल रहा था गोरी चमड़ी और गंजे समझ के रशीन समझे क्या, रशीन नहीं हिंदी ही में, सबसे बड़ी हिट मालूम क्या भाई, हाफ पेंट में लेके आया मैं इसको, इसको हाफ पेंट में ही घुमा रहे हैं आज अपन, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मतलब ऐसा जस्ट हम आ गए तो आ गए ऐसा है, अब देख रहे हैं ऊपर जा रहे, कोशिश करते हैं अगर अलाउ कर दिया चले जाएंगे, वरना लौट के वापस आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे भी न्यू पानी पियेंगे MPT शेष महल में। इसकी मैंने कहानी किसी सुनी है, गोरा और टकला देख के रशियन समझा क्या, रशियन नहीं हिंदी है मैं। अब पॉक्स कैसे करूँगा, बेतवा रिट्रीट तक, बेतवा रिट्रीट, हाँ होटल, हाँ घोड़े, हाँ। तो फाइनली हम लोग इस घोड़ा गाड़ी में बैठ गए और मज़ा आ रहा है दोनों को बैठे हुए, तो मैन पता नहीं ब्लॉगिंग कैसे चल रही है, अपन तो बस कैमरा देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ और ही नहीं दिख रहा है भाई, मंदिर तो नहीं घूमना है अभी, कोई नहीं मंदिर घूमना, बस जाके सोना है भैया यार, है ना, हाँ भैया हम लोग 400 किलोमीटर ट्रैवल करके आए सिर्फ सोने के लिए, कि हमारे घर में ना चैन और सुकून नहीं, हमारी बीवी ने हमारे बाल नोच लिए, अब इसकी बीवी भी इसके बाल नोचने वाली थी, हमने प्लान बनाया चलो अपन भाग लेते हैं, अच्छा चल के बस होते हैं, बाल नोचने से पहले भाग गए, हां ऐसे ही, ऐसे ही जब मियां बीवी मिलते हैं बच्चा मेरे से जाता है, चलो मस्त, ये भी कुछ है भाई यहाँ पे भी ना कोई स्पॉट सा है, ये है पैखाना, ये है श्याम दाव जी की कोठी, क्या है श्याम दाव जी की कोठी, कोठी उनके मरीन के मरे, हाँ उनकी कोठी है, तो काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती के बाद हम लोग जो है रुके हुए हैं MPT की शानदार प्रॉपर्टी पर, इसका नाम है MPT बेतवा रिट्रीट, वहाँ सामने स्विमिंग पूल था, इसमें हमने मस्ती की है, सामने हमारा रूम है, वो उस जगह पर हमारा रूम है अंदर
जाकर, और ये है पूरा व्यू इस जगह का, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार अल्टीमेट प्रॉपर्टी है। आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर रुकिए, MPT शीश महल में मत रुकिए, MPT शीश महल में स्विमिंग पूल नहीं है, स्विमिंग पूल लवर हैं यहाँ रुकिए, वरना तो बहुत ही शानदार जगह है शीश महल भी और MPT बेतवा रिट्रीट भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने धोने के बाद थोड़ा सा ओरछा एक्सप्लोर करने के लिए। कल सुबह किले आने का प्लान है, मॉर्निंग आवर्स में हम जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग जाएंगे ओरछा फोर्ट, अभी हम जाएंगे राम राजा मंदिर, और राम राजा मंदिर के बाद देखते हैं थोड़ा सा रात में एक लाइट एंड साउंड शो है तो वो भी जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ पर भी मौज मस्ती करेंगे, कुआरा उसी की गाड़ी से घूमने का प्लान है। दैट्स ऑल फॉर जस्ट नाउ, दैट्स इट फॉर नाउ, और अभी आपसे मिलते हैं आगे। और ये है मैग्निफिसेंट व्यू इस किले का रात में, यार अल्टीमेट टाइप का लग रहा है एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, आप देख लो एक बार, बहुत शानदार व्यू है। मज़ा आया कि नहीं आया यार इसको देख के ना, दिल को तसल्ली मिल गई, क्या बोलता है आकाश, मज़ा आया कि नहीं आया? अल्टीमेट किसको देखूं मैं तो कहाँ देखूं इस भाई भाई, ये 360 है, मैं घुमा दूंगा फ्रेम को, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का भाई, अभी नया नया है ना तो थोड़ा सा हो जाएगा, तू बाद में देखना, चलो तेरे में आएगा। जनता पगला जाएगी, और फिलहाल हम लोग आ गए हैं पूरी सब्जी खाने के लिए। अच्छा प्लेट भी लोगे? और अक्कू और मैं दोनों बैठे हुए हैं, पूरी सब्जी, तिवारी जी पूरी सब्जी वाले, मैंने किसी ब्लॉग में देखा था तो बस ब्लॉग देख के हम लोग हो बड़ा ही स्वादिष्ट यहाँ पर सब्जी रखी गई है, पूरी रखी जा रही है अभी थोड़ी देर में, और खाने के बाद अभी जाएंगे वापस अपने रिसॉर्ट, वहाँ से बाइक लेके आएंगे, फिर एक और फोटोशूट होगा, अभी सिर्फ अक्कू की गाड़ी से फोटोशूट हुआ है, अपने को चुल्ले काटा है, अपन भी फोटोशूट कराएगा, ऐसे नहीं जाएगा। मंदिर के दर्शन हो गए, मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन हमने भी वीडियो कुछ थोड़े बहुत बना दिए बाहर, लेकिन अंदर नहीं बना दिए। चलो मिलते हैं कुछ खाने पीने के बाद।